हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेपरवाह आज़ाद। मेरा नाम है हर्ष यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज आपको लेके जाने वाला हूँ एक बेहद ही खूबसूरत जगह, लक्ष्मणधारा। और लक्ष्मणधारा पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा खोडरी, जो कि गौरेला से लगभग 25 से 28 किलोमीटर दूर है। जैसे ही आप खोडरी पहुँचेंगे तो वहाँ एक ट्रेन क्रॉसिंग आएगा। इस ट्रेन क्रॉसिंग को क्रॉस करके हमें इसके अपोजिट साइड जाना है और आप अपने लोकेशन में पहुंच गए हैं। दोस्तों, यहाँ कोई फाटक आपको नहीं मिलेगा और आप एक एडवेंचर ट्रिप में जा रहे हैं, तो यहाँ सावधानी पूर्वक ही आपको ये ट्रेन क्रॉसिंग को, ये पटरियों को आपको क्रॉस करना है। आप दोनों साइड देख लें कि कोई ट्रेन आ या जा तो नहीं रही है, उसके बाद ही ट्रेन को क्रॉस करें। जैसे कि ये ट्रेन जा रही है तो आपको वेट करना है, उसके बाद ही क्रॉस करना है, क्योंकि आपकी सावधानी हटी और यहाँ एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो आप पिकनिक मनाने जा रहे हैं तो इन सब बेसिक चीज़ों का ध्यान रखें। अरे वाह, बस थे वहाँ पे। हर्ष को टेंशन था कहाँ ले जाओ वो मिट्टू भी है, देखो ना। सो गाइस, जैसे ही आप लोकेशन में पहुंचते हैं आपको अरपा नदी की पवित्र धारा बहती हुई दिखती है और अरपा नदी के ही चारों तरफ पूरा बिलासपुर शहर बसा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख जीवनदायिनी नदियों में से एक है अरपा नदी, जिसका उद्गम खोडरी खोंगसरा से हुआ है। तो आप अभी जो दृश्य देख रहे हैं ये उसके ओरिजिन के कुछ पहले का है और यहाँ आप खाने की कुछ सामग्री अपने साथ लेकर जा सकते हैं, वहाँ कुकिंग कर सकते हैं और इस मनोरम दृश्य का आनंद ले सकते हैं। कतरा कतरा जी रहा है, लम्हा लम्हा मर रहा हूँ, कैसे खुद को मैं संभालूं तू बता। बाय, इसी में एंड कर देना। बाय तो बोल दो। सो गाइज, इस पिकनिक ट्रिप पे हमने मैट वैट और खाने की सारी सामग्री अपने साथ लेके गए थे। हमने वहाँ कोई कुकिंग नहीं किया, तो हमने अपने टिफ़िन बॉक्स में जो भी घर से बनाए थे उसको लेके गए, वहाँ नेचर के बीच बैठ के खाया पिया, इंजॉय किया। म्यूज़िक के लिए ब्लूटूथ स्पीकर्स थे, चाय हमने थर्मस में रखा हुआ था। तो ये एक आनंद आता है नेचर के बीच रह के। और इसी बीच आ गए थे कुछ बंदर, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ हुई थी, जहाँ अपने सामान को गैदर करके एक जगह रख रहे थे ताकि बंदर उस सामान को लेके ना चला जाए। सो गाइज, आप कुछ देर यहाँ के जो एनवायरनमेंट है उसका आनंद लीजिए मेरे वीडियो के माध्यम से और यहाँ की खूबसूरती को देखिए।
और आप कब यहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और भी किस तरीके के आसपास की लोकेशन को मुझे एक्सप्लोर करना चाहिए उसके बारे में भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और गाइज, अगर आपको मेरे इस तरीके के वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपको और भी अच्छी सी अच्छी बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आपके सामने लाता रहूं और आपका एंटरटेनमेंट करता रहूं। गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेपरवाहजात को, क्योंकि लगभग जो यूट्यूब स्टैट्स हैं मेरे, वो कहते हैं कि 97% ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बट दे वॉच माई वीडियोज़। तो गाइस, अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपके जेब से कुछ जाने वाला नहीं है, बट मेरे लिए एज अ यूट्यूबर ये काफ़ी मोटिवेटिंग है, और ये इससे मुझे काफ़ी सोर्स ऑफ एनर्जी मिलती है अच्छे वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि स्टैट्स का एक वैल्यू होता है दोस्तों। अगर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो क्वालिटी ऑफ कंटेंट भी इम्प्रूव होगा, और इस यूट्यूब वर्ल्ड में एक रिकग्निशन भी मिलेगा, जो कि बहुत ही मैटर करता है एक यूट्यूबर्स के लिए। तो गाइस, आगे इस वीडियो में बने रहें, और भी सारी जानकारियां मैं दूंगा जो इम्पॉर्टेंट है कहीं भी पिकनिक या टूर करने के लिए। और अगर आप IGNTU में पढ़ रहे हैं तो इस लोकेशन को चेकआउट करना ना भूलें, अपने दोस्त के साथ सैटरडे संडे निकल सकते हैं, क्योंकि 5 working days हैं, और इन्जॉय कीजिए, मोमेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जो समय चला जाता है वो वापस कभी नहीं आता, सो इन्जॉय every second, every moment of your life.